सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चंद ओसीएम सेंटर। ओके, हम लास्ट वीडियो तो बात कर रहे थे 11th के ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में। ओके, बहुत हमने बात कर ली थी, ऑनलाइन एडमिशन होगा नहीं होगा, होगा एसईबीसी रिजर्वेशन कारण आपका एडमिशन रुका हुआ था। ओके, तो ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं हम आपके लेक्चर्स के बारे में। ओके, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपके पढ़ाई का नुकसान ना हो। आप 11th के आगे का बेस में जो आपका स्ट्रीम चालू होता है, कॉमर्स साइंस आर्ट जो आप लेते हैं, उनका ही बेस बन जाता है 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो ये आपका बिगड़े ना, बेस ना बिगड़े कि आगे का फ्यूचर आपका बर्बाद ना हो, इसके लिए लेक्चर चालू कर रहे हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन लेक्चर्स किसके जरिए चालोगे, कैसे चालोगे और किधर क्या रजिस्ट्रेशन कर रहा है, इस वीडियो में आपको सब डिटेल मिल जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, चैनल पर नए आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। प्लस आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको इस चैनल पर OCM बाकी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में आपको उसके वीडियोस लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आगे वाले स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक साइट पे आपको लेके जा रहा हूँ। ओके, तो ये साइट पर, ये साइट आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीधा आपको वहाँ पर जाना है और यहाँ पर स्टेप समझिए, अभी मत जाइएगा, वीडियो खत्म होएगा तो फिर जाइए, हर एक स्टेप समझ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ गलती हो गई यहाँ पर फिर सुधरना मुश्किल है दोस्तों, हम फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र पुणे। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप है, लास्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, आपके डैड फादर का नाम, फिर देन आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट मुंबई पुणे बाकी जहाँ से भी हो आप लोग वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर उनके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आ जाएगा। ओके, देन प्लेस भी आपको डालना है, किस प्लेस से हो, फिर एंड कॉलेज नेम डालने का है, जिस कॉलेज से हो, अगर कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया है तो उस कॉलेज के हिसाब से आपको नाम डाल देने का है। मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर के नीचे लिखा गया है मोबाइल नंबर विल बी वेरीफाइड यूजिंग OTP। ये दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट डालिएगा, जहाँ जिस मोबाइल नंबर आप डालोगे यहाँ पर उस नंबर पर एक OTP आएगा, वहाँ पर आपको OTP उन्हें शेयर करना पड़ेगा, वो OTP शेयर करना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद व्हाट्सअप नंबर भी देना पड़ेगा, अगर व्हाट्सअप नंबर और ये सेम है तो ठीक है, अगर बाकी अलग भी होगा तो भी ठीक है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको दे देना है अपना, जिसके ज़रिए वे लोग आपको उस लेक्चर के लिंक शेयर करेंगे, फिर देन आपको वहाँ पर लेक्चर में ज्वाइंट होना है, देन आप अपना लेक्चर एकदम अच्छे से अटेंड कर सकते हो बिना किसी दुविधाई के। ईमेल आईडी है दोस्तों, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देनी है, अपने करेक्ट ईमेल आईडी डाल दीजिए, अगर बाई चांस आपकी ईमेल आईडी नहीं तो आप अपने फादर या फिर सिस्टर ब्रदर की भी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो तो टेम्प्रेरी बेसिस पर। बाकी आप अगर आपकी खुद की ईमेल आईडी तो अच्छा है, अगर आप खुद की बनाना चाहते हो तो बना दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईमेल आईडी रखना। स्ट्रीम या दोस्तों आप किस स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देने का है, देन मीडियम कि कौन से मीडियम से हो, इंग्लिश या मराठी। ओके, तो बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। अगर बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मिस्टेक मत करिएगा, एक बार मिस्टेक कर दिया कोई उल्टा पुल्टा हो गया तो बाद में इसको सीधा करना थोड़ा तकलीफ पड़ता है, तो सोच समझ के अच्छे से करिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको राइट में कर देने का सबमिट। ओके, तो आज के लिए मेरे वीडियो में इतना ही रहेगा, चैनल पर नए आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।